पंजाब और केपी की असेंबलियां तोड़ना एक गलत सियासी फैसला था, उसके नतायज वो भुगत रहे। अब ये हुक्मरानों को फैसला करना है कि आखिरी दिन तक कुर्सी से चिमटे रहना है या उससे पहले असेंबली तोड़ना। आज इतिहादी हुकूमत जूतियों में यही दाल बट रही कि 60 दिन में हो, 90 दिन में हो, असेंबली की तौसी हो, अगले साल इंतखाब। मैं तमाम स्टेक होल्डर से कहता हूँ, आप आवाम के जज्बात को देख रहे हैं, इसलिए आप आवाम का और इम्तहान न लें। एक ही इलाज है, आईनी मुद्दत में इलेक्शन होना चाहिए। पंजाब और केपी असेंबलियां तोड़ना एक गलत फैसला था। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा इत्तेहादी हुकूमत में जूतियों में दाल बट रही है कि इलेक्शन 60 दिन में हो या 90 दिन में, असेंबली की तौसी हो या अगले साल इंतखाबात हो। तमाम स्टेक होल्डर्स से कहता हूँ आवाम का मजीद इम्तिहान न लें। पंजाब और केपी की असेंबलियां तोड़ना एक गलत सियासी फैसला था, उसके नतायज वो भुगत रहे। अब ये हुक्मरानों को फैसला करना है कि आखिरी दिन तक कुर्सी से चिमटे रहना है या उससे पहले असेंबली तोड़ना। आज इतिहादी हुकूमत जूतियों में यही दाल बट रही कि 60 दिन में हो, 90 दिन में हो, असेंबली की तौसी हो, अगले साल इंतखाब। मैं तमाम स्टेक होल्डर से कहता हूँ, आप आवाम के जज्बात को देख रहे हैं, इसलिए आप आवाम का और इम्तहान न लें। एक ही इलाज है, आईनी मुद्दत में इलेक्शन होना चाहिए।